हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बच्चों के लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी का नाम है द गोस्टली अपेरिशन एंड द गॉडेस ऑफ रिवेंज। कहानी शुरू होती है, रात का अंधेरा था, चमेली और अगरबत्ती की खुशबू से हवा घनी थी, चांद अभी तक नहीं निकला था और तारे बादलों के एक भारी कंबल से ढके हुए थे। ग्रामीण भारत के मध्य कुरुमपट्टी गांव में ग्रामीणों का एक समूह दुर्गा पूजा के वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। जैसा कि ग्रामीणों ने नृत्य किया और गाया, मीना नाम की एक युवा लड़की छाया से देख रही थी। उसे उसकी दादी ने अंधेरे के बाद बाहर नहीं रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन उत्सव ने उसे मोहित कर दिया और वो जानने के लिए सहन नहीं कर सकी। वो नर्तकियों को हलकों में घूमती हुई देखती थी। उनकी रंगीन साड़ियाँ बवंडर की तरह उनके चारों ओर घूमती थी। अचानक संगीत बंद हो गया और ग्रामीण चुप हो गए। एक महिला की आवाज़ ने देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हुए शांति को भेद दिया। मीना ने इधर उधर देखा, आवाज़ के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ एक ही बार में सभी दिशाओं से आ रही है। अचानक उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने लगती है। मीना लड़खड़ाई, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि पृथ्वी हिल रही थी। ग्रामीण चिल्ला रहे थे, समर्थन के लिए एक दूसरे को पकड़ रहे थे, लेकिन मीना अकेली थी। भूकंप के बल से ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही झटके कम हुए, मीना अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, अपनी दादी को खोज रही थी, लेकिन बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। उसके स्थान पर सफ़ेद वस्त्र पहने एक आकृति खड़ी थी, जिसके लंबे बाल चांदनी में झिलमिला रहे थे। मीना का गला सूख गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो आकृति उसकी दादी नहीं बल्कि एक भूतिया प्रेत थी। भूत ने उसे इशारा किया, अपना हाथ बढ़ाया और मीना ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर एक ठंडा पसीना फूट पड़ा है। वो जानती थी कि उसे दौड़ना चाहिए, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़े हुए लग रहे थे। भूत करीब आ गया, उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से जगमगा उठी। मीना उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी और हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण वो सिहर उठी। अचानक भूत बोला, इसकी आवाज़ एक नर्म फुसफुसाहट थी जिसने मीना की रीढ़ को ठंडक पहुंचाई। बच्चे, उसने कहा, तुम्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। देवी नाराज हैं और वो बदला लेना चाहती हैं। मीना ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ विफल रही। भूत ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ और मीना ने अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वो अकेली थी। रात खामोश और खामोशी थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मीना जानती थी कि उसे गांव छोड़ना है, लेकिन उसे पता था
कि कहाँ जाना है। वो सड़क पर उतर गई, उसका दिल डर से भारी हो गया। जब वो चलती थी तो उसे दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई देती थी। वो जानती थी कि देवी दुर्गा जाग गई है। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवी पहले ही आ चुकी थी और वो खून की भूखी थी। मीना ने एक कोना घुमाया और खुद देवी के सामने आ गई। दुर्गा देवी थी सुंदर, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखें रोश से चमक रही थी। मीना ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा बहुत तेज थी। उसने लड़की को अपने लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। उसने पंजे मीना के मांस में उछेड़ दिए। मीना चिल्लाई, लेकिन उसकी चीख का कोई जवाब नहीं आया। देवी ने उसे अपना होने का दावा किया था और वह फिर कभी दिखाई नहीं देगी। कुरुमपट्टी के ग्रामीण आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके भाग्य के बारे में कानाफूसी करेंगे, लेकिन उस अंधेरी और रहस्यमयी रात में जो कुछ हुआ था उसके बारे में वे कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें। धन्यवाद।